गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एवरीबॉडी. स्वागत है आपका येट अनदर एपिसोड सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन सैटरडे बिजनेस सॉल्यूशंस विद फूड मैक एशिया नौका एंटरप्राइज जानकी कॉर्पोरेशन विया कंसल्टेंसी. इस एपिसोड की बात करूँ तो आज हम अगेन हमारा ये जो स्पेशल एपिसोड है वो लेके आए हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जिनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने खुद अपनी जर्नी अपने दम पर अपने हिसाब से शुरू की, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपने जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन सब को लेकर साथ में आगे बढ़े और किस तरह से एक छोटी सी शुरुआत आज एक बड़े से कॉर्पोरेट एम्पायर में चेंज हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड विथ मी आज हमारे साथ है मिस्टर भूपत सुखाड़िया. ही इज MD फ्रॉम वासु घी एंड पीयूष जी सालिया फ्रॉम फूड मैक एशिया एंड आई एम अमित मेहता फाउंडर नौकर एंटरप्राइज. स्वागत करता हूँ हमारे सारे ऑडियंस का जो हमें लाइव देख रही है और आपसे वादा करता हूँ कि ये एक एपिसोड आज का एक ऐसी जर्नी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आपकी आने वाली एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी. सो मैं स्वागत करता हूँ भूपत सर आपका एंड पीयूष जी आपका. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम एंड कमिंग टू अस. शुरू करें उससे पहले मैं अपने ऑडियंस के लिए कुछ खास चीज़ दिखाना चाहता हूं और जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लीलाबा अवार्ड्स कितने प्रेस्टीजियस हैं और किस फूड एंटरप्रेनर को एज इन किस कैटेगरी के फूड एंटरप्रेनर्स को ये अवार्ड्स मिलते हैं. इन अवार्ड्स को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत की जाती है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं अगर मैं लेमन टर्म्स में कहूँ, क्योंकि ये अवार्ड कोई खरीद नहीं सकता. ये अवार्ड उनको मिलता है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं. ये अवार्ड उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर. सो जस्ट अ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन, हम शुरू करते हैं विद दिस वीडियो वेयर Sri Radhe Dairy Farm and Foods Award category is fastest growing company and Lilaba Award fastest growing company is goes to Sri Radhe Dairy Farm and Foods Private Limited. Company quality product and expand branches, so it's deserved fastest growing company award. Fastest growing company Lilaba Award goes to Sri Radhe Dairy Farm and Foods Private Limited. आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद आपके साथ वीडियो शेयर नहीं हो पा रहा है. जस्ट गिव मी वन सेकेंड प्लीज. पीयूष जी, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भूपत सर और उनकी जर्नी और हमारे लीलाबा अवार्ड्स के बारे में आप ऑडियंस से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करिए. लेट मी गेट बैक टू द वीडियो, तब तक मैं आपको वीडियो लेकर आता हूं.
हाँ जी अमित जी, वास्तु घी की बात करें ना तो मैं तो बहुत खुश है क्योंकि इतने कम टाइम में इतना बड़ा सेटअप करना, वो भी घी के लिए। अभी क्या घी के लोग इतना प्रिपेयर नहीं करते थे लोग क्या? हाँ भाई, घी सुमूल का घी एक बार ले लिया और खत्म किया, बस उन्होंने वास्तु घी की अपनी खुद की एक ऐसी ब्रांड बनाई जिन्होंने पूरे गुजरात में, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में और साउथ में, और गुजरात की कंपनी साउथ में जाके अभी कोई घी की मार्केटिंग करे और वहाँ के लोगों को घी का उनका प्रोडक्शन वहाँ पे बेचे, ऐसी ये फर्स्ट कंपनी होगी। क्योंकि साउथ में इतने लोग एजुकेटेड है कि भाई वहाँ पे दूसरा भी एक चीज़ ऐसा है कि वहाँ पे लोग अपनी चीज ही पसंद करते हैं, कि वहाँ के लोकल जो लोग कंपनी बनाते हैं लोग वहाँ का प्रोडक्शन ही वो लोग लेना पसंद करते हैं। मैं तो वहाँ देखा हुआ है और वहाँ की जो मूवी भी आती है ना तो लोग वही वही की मूवी देखते हैं, बॉलीवुड की मूवी लोग नहीं देखते। तो वहाँ उनका यही तो यही बेस्ट मार्केटिंग है, वही बेस्ट क्वालिटी है, वही बेस्ट उनका प्रोडक्ट है कि साउथ में जाके उन्होंने मार्केटिंग की और वहाँ पे अपना घी बेचा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जो इतना इतना बड़ा टीम लेके है और साथ में उनकी टीम जो है, मैं सारे उनको एम्प्लॉय को भी पहचानता हूँ और जब से कंपनी स्टार्ट हुई जुड़े हुए हैं और कंपनी को आगे लेने लेके जाने का उन्होंने जो एम एम लिया है, बहुत बढ़िया उनका एक काम है। और लीला बाई अवर की बात करें तो हमारे पास डेयरी इंडस्ट्री में उस टाइम पे 25 फॉर्म आए थे पूरे गुजरात से, और हमने हमारी टीम गई थी हर कंपनी में विजिट करने के लिए, पर उनका जो क्वालिटी था, उनका जो मार्केटिंग करने की जो स्टाइल थी, उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की जो उनके पास जो स्कीम है और क्वालिटी और उनकी मशीनरी हमने लोगों ने देखी थी, तो वो जाके सब लोगों ने डिसाइड किया, हमारे जूरी मेंबर ने डिसाइड किया भाई सुमूल के बाद ये दूसरा वास्तु की सिर्फ घी के बारे में हमने उनको अवार्ड दिया था। अमित जी Award Pedigree is fastest growing company, and Lilaba Award fastest growing company is goes to Sri Radhe Dairy Farm and Foods Private Limited. Company quality product and expand branches, so it's deserved fastest growing company award. Fastest growing company Lilaba award goes to Sri Radhe Dairy Farm and Foods Private Limited. So, Bhupat sir and Vasu team, सबसे पहले तो आपको very congratulations for the Lilaba Awards because quality का दूसरा नाम ही है Vasu Ghee and quality का दूसरा नाम ही है Lilaba Awards and that is why इन दोनों का जो मेल होता है उस वजह से आपको ये जो अवार्ड मिला है उसके लिए आपकी टीम और आपको बहुत बहुत बधाई है सर। सर हमारा ये जो एपिसोड है, ये जो एफर्ट है जो हम फूड मैक एशिया, नवकार एंटरप्राइज, मीरा कंसल्टेंसी, जानकी कॉरपोरेशन एंड Lilaba Awards हम ये जो मिलकर लेकर आए हैं, इसमें एक चीज जो बड़ी कॉमन है जो हम करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए इज दैट कि
ये जो जर्नी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये लोगों को बाहर से और दूर से बड़ी इजी लगती है। सबको ऐसा लगता है कि यार ऊपर जी ने तो बड़ी जल्दी सब कुछ खड़ा कर दिया, बड़ी जल्दी उन्होंने तो प्रोग्रेस पा ली, बड़ी जल्दी उनको जो चाहिए था सब मिल गया। सो सर मुझे एक बात बताइए कि हर चीज के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है जो लाखों लोगों को नहीं पता होता है, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। सो मैं और मेरी ऑडियंस सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि श्री राधे डेयरी फार्म्स एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे जो करेज, जो तपस्या जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो तपस्या, वो रीजन और वो कारण क्या थे जिसकी वजह से आपने एक बड़ा स्टेप लिया और श्री राधे फार्म्स को शुरू किया? यस ऊपर सर। यस अमित जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर तो जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक थैंक्स कहना चाहता हूँ पीयूष जी को, जो फूड मेक एशिया से है, अमित जी जो नौकर एंटरप्राइजेस से है, और जो मीरा कंसल्टेंसी से, जो मिठावाला साहब है, राठौड़ साहब है, कि उसने मेरे को बहुत, जो बिजनेस स्टार्ट किया तब से अभी तक बहुत सारी हेल्प की है, बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए सारी बातें टेक्निकली ये सब। और जो ऑडियंस है जो मेरे को आज लाइव सुन रहा है उसके लिए मैं थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि ऑडियंस नहीं रहता तो हम कुछ काम के नहीं होते। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है तो हमारा जो है प्लेटफॉर्म है, हमारी बात जो ऑनलाइन शेयर करने का हमने जो प्लानिंग किया है उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो हमारे लिए जो ये ऑडियंस है वो बहुत, मैं उसका थैंकफुल रहूँगा। और जो आपने क्वेश्चन किया कि उसके पीछे क्या राज है, आपने जो ये श्री राधे डेयरी फार्म चालू किया उसके पीछे बहुत सारी बातें है जो हम आगे करने वाले है। और दूसरा ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो, आपके सामने जो पर्सन है वो ऐसा पर्सन है कि उसके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट था, ना कोई बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड था, कोई भी चीज नहीं थी, फिर भी आज हमने इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया है। तो वो उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। पहले तो मैं मेरा छोटा सा एक परिचय करवाता हूँ आप सब लोगों को कि मेरा नाम भूपत सुखड़िया है और कंपनी का नाम श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, और हमारा ब्रांड नेम है वो वास्तु है, और हमारा टैगलाइन है स्योरिटी फॉर प्योरिटी। तो ये सब चीजों को ध्यान में लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेन तो हमारा टैगलाइन है स्योरिटी फॉर प्योरिटी, और जो हम फूड रिलेटेड बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो ये चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे करियर की शुरुआत करूँ, शुरुआत की बात करूँ तो बाय क्वालिफिकेशन मैं एमकॉम एमबीए हूँ। मेरा एजुकेशन की शुरुआत मेरे गांव से ही हुई थी, जो प्राथमिक 1-7 रहता है वो मेरे गांव से ही मैंने किया, और बाद में 8-10 मैंने बाजू के गांव से किया, फिर आगे मैं मेरे तालुका लेवल की स्कूल थी उसमें 10-12 किया और वहाँ पर ही मैंने कॉलेज किया। और मेरा जो ये जॉब था उसके साथ में मैंने एक कॉरेस्पॉन्डेंस है एमबीए किया है। और ये सारी जो एजुकेशन जर्नी रही है वो नज़दीक में, जहाँ से नज़दीक से नज़दीक मेरे को सूटेबल होता था वहाँ से मैंने लिए, तो मैं कहीं इसके लिए मैं कोई बाहर पढ़ने नहीं गया हूँ। तो ये मैं सारे जो ऑडियंस है उसको ये बेसिकली चीज़ बताना चाहता हूँ। और उसके बाद में जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो उसका जो जर्नी रहता है एजुकेशन जर्नी वो खत्म होता है, उसके बाद तुरंत वो कोई ना कोई जॉब ज्वाइन करता है या तो कोई ना कोई बिजनेस ज्वाइन करता है। तो वैसे ही मैंने एक छोटा सा शॉप चालू किया था, हमारा तालुका लेवल का गांव था वहाँ पे, ऑटोमोबाइल शॉप जो मैंने 1.5 साल चलाई। उसके बाद में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फूड इंडस्ट्रीज में काम करने की, तो मैंने तुरंत वो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट इसलिए किया कि मेरे माइंड में पहले से ये चीज थी कि मेरे मेरे को मेरे राष्ट्र को कुछ हेल्पफुल होने का है, मैं बाकी सब लोग है उसको हेल्पफुल कैसे हम हो पाए, ये चीज पहले से मोटो में थी। ये चीजें कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे है जो हमारा जो बिजनेस आज डेवलप हुआ है उसके पीछे। और ये इंडस्ट्रीज का बहुत सारा एक्सपीरियंस आज है मेरे पास, जो पहले जीरो था, मैं जब से स्टार्ट किया आज 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो कंपनी मैंने चालू की थी 2015 में, और उसके बाद
धीरे धीरे हमने ये सारी चीजें ग्रो की है। तो पहले एजुकेशन के बाद जो मैंने ऑटोमोबाइल शॉप चालू की, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो पहली जॉब मेरी थी वो थी 2500 रुपये की। तो उसके पहले भी मैंने जॉब करने का ट्राई किया था, वो आप सुनोगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे शायद, वो 1000 रुपीज के लिए जॉब थी और उसके लिए भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो मेरे भाग्य में नहीं थी वो जॉब भी। तो ऐसी सिचुएशन में से मैं गुजरा हुआ हूँ। और मैं एक फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, आज भी मेरे मदर फादर है वो फैमिली जो है मेरा वो फार्मिंग के रिलेटेड है। और आज मेरे को एक चीज का गर्व है कि मैं एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो घी है वो डेयरी प्रोडक्ट है और डेयरी जो है वो कहीं ना कहीं पशुधन से मिला जुला है। तो ये मेरे को ये चीज भी इंस्पायर करती है कि ये लोगों को जो फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ये लोगों को भी कैसे हम हेल्पफुल हो सके। तो बहुत सारी चीज है इसके पीछे। और जब मैंने 2005 में जॉब ज्वाइन किया और उसके बाद में 2010 तक मैंने 5 ईयर्स मैंने एक्सपीरियंस लिया है जो प्रोडक्शन लेवल पे। तो एक मैं नॉमिनल पोस्ट पे मैंने काम किया भी है, और जब से मैंने वहां से छोड़ा तब मैं एक मैनेजरियल पोस्ट पे थी। तो मैंने जो वहां जो काम किया उसकी मैं बात करूं तो आज की डेट में कैसे होता है कि भाई अपनी जो सैलरी है ना वो हम पहले ध्यान में रखते हैं कि हम कहीं पे भी काम करते हैं कि भाई मेरी सैलरी इतनी है और मेरे को ये डिपार्टमेंट दिया गया है तो मेरे को इसमें रह के ही काम करने का है। मान लो कि हमारे बॉस अपने को दूसरा काम के बोलता है कि भाई आप थोड़ा फ्री हो तो ये काम भी साथ में कर लो, तो आज की डेट में मैं देखता हूँ तो वो लोग एग्री नहीं होते इसमें। वो प्रोफेशनल हो गए हैं ज्यादातर लोग कि हमारा काम ये है तो यही हम अपने को करना चाहिए। तो उसको क्या होता है कि जो उसको जॉब मिले उसके रिलेटेड ही उसको एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाजू का कोई एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होता। आप नॉमिनल क्वेश्चन पूछोगे कोई भी चीज का तो भी उसके पास कोई आंसर नहीं होता, लेकिन उसका उसका जो पोस्ट है उसके रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसके पास हजारों आंसर हो गए उसके पास, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस वो हिसाब से नहीं मिलता। तो मैंने जहां जहां पे काम किया है वहां पे एक्सपीरियंस को देख के ही ध्यान में रख के ही काम किया, नहीं कि सैलरी की मेरी पोस्ट क्या है वो मैंने नहीं देखा है कभी। लेकिन जब मैं ज्वाइन हुआ था जॉब में तो मेरे को काम दिया था एक केस हैंडल करने का कि भाई बैंक में भरने जाने का, कुरियर देने जाने का है, कोई कुरियर आए तो एक्सेप करने का, ऐसा मेरा काम था नॉमिनल। लेकिन उसमें धीरे धीरे जैसे मैं मेरे को इंटरेस्ट लगा काम में तो मैं बाकी प्रोडक्शन वगैरह भी देखता था वहां पे, तो मेरे को एक्सपीरियंस मिला वहां से। तो वही लोगों का दूसरा जो प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा था तो उसमें मेरे को वहां से उसने एज ए 1.5 साल के बाद उसने मेरे को प्लांट मैनेजर की जॉब दी। तो मेरे लिए एक बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैंने वहां पे वो हिसाब से सब एक्सपीरियंस लिया था तो मेरे को वहां पे वो चीज़ काम में आई। तो बाद में जब जैसे अभी एक ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे तो उसमें कैसा रहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, अकाउंट डिपार्टमेंट रहता है, प्रोडक्शन रहता है, फिर एचआर रहता है, ऐसे सब डिपार्टमेंट रहता है बिजनेस में अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बिजनेस में है तो। लेकिन जब मैं वहां काम कर रहा था तब तो ऐसा ही था कि भाई आपको ही सब हैंडल करने का, आप प्लांट मैनेजर हो तो बिलिंग भी आप बनाओ, स्टॉक मेंटेन भी आप कराओ, आप भी मजदूर लोगों को जगाओ सुलाओ, आप भी करो सब, गाड़ियां लोड कराने की है, प्रोडक्शन में तो ज्यादातर वही काम रहता है। तो ये सारी चीजों का मेरे को एक्सपीरियंस था और वो हिसाब से फिर 5 साल तो मैंने वहां काम किया। लेकिन एक चीज मेरे को ध्यान में आई कि भाई जो हमारा मोटो है वो तो यहाँ फिलफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा एक पहले से था कि मैक्सिमम लोगों को हेल्पफुल होने का और मैक्सिमम लोगों को रोजगारी देने का। तो मैं भी वहां तो किसी के ऊपर डिपेंड था तो वो चीज वहां फिलफुल नहीं हो रही थी। तो मैंने देखा कि भाई ये कोई हम इधर से बाहर निकलेंगे तो ये चीज पॉसिबल है हमारे लिए। तो मैंने वहां पे मेरी बात रखी ओनर से कि भाई मेरे को ये प्लांट छोड़ के मेरे को कहीं मार्केट में जाने का है तो मैं भी मेरी जात को डेवलप कर सकूं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिली उधर। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ से हम दी एंड करते हैं और अपना खुद ना कुछ ना कुछ छोटा कोई बिजनेस चालू करते हैं। तो 2010 में मैं सूरत में आया तो मैंने एक छोटा सा शॉप चालू किया क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली वाले भी लोग बोल रहे थे कि भाई आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको इतनी अच्छी जॉब मिली है तो आप क्यों है छोड़ के सब छोटी
दुकान चालू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तभी सिचुएशन भी ऐसी ही थी, क्योंकि मैं जो शॉप चालू किया था वो अपने, अभी हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के नाके पे जो दूध की डेयरियां रहती थी वैसी शॉप मैंने एक रेंट पे ली थी, जो तब 2010 में उसका 2500 रुपया भाड़ा था, तो वो हिसाब से मैंने शॉप चालू की थी। और उसी टाइम का इसका जो व्यापार था वो 1200-1500 रुपया पर डे का समथिंग था, तो वो लेवल से मैंने बिजनेस चालू किया था, और उसके पीछे एक मोटो भी था, इसलिए मैंने वो लेवल से चालू किया, क्योंकि मेरे के पास नहीं तो फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड था, नहीं कोई इतना खास एक्सपीरियंस था, तो धीरे धीरे मेरे माइंड में आता गया कि भाई, मेरे को लगा कि भाई ये चीज से स्टार्ट करते तो कुछ ना कुछ तो मेरे को मेरी लाइफ में मिलेगा, दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो अचीव हो रहा है, तो छोटी सी शॉप चालू करके फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई एक घी रिलेटेड जो घी प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करने का एक चांस मिला, तो वराछा एरिया में मेरी शॉप थी, तो वही एरिया में मैंने वो घी जो प्रोडक्ट थी वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोचा। तो लगभग 1.5 साल शॉप चलाने के बाद मैंने उसके साथ में लगभग 3 साल मैंने ये मार्केटिंग फील्ड में काम किया, तो मेरे पास एक प्रोडक्शन का भी एक्सपीरियंस हो गया और साथ में एक सेल्स का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो ये दोनों चीज तो थी मेरे पास, लेकिन उसके साथ साथ में मेरे पास एक गोल भी था कि मेरे को आगे जाके क्या करने का, उसके साथ साथ में मेरे पास रोड मैप भी था भाई कैसे मेरे को क्या करने का है, तो ये सारी चीज साथ में जब होती है तभी अपना डेवलपमेंट होता है, कोई भी बिजनेस का डेवलपमेंट तभी होता है। तो मैंने वो 3 साल तक ये काम किया मार्केटिंग का, फिर मेरे को लगा कि भाई इसमें भी ये छोटा काम कर रहे हैं तो उसमें तो टाइम बहुत जा रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं इतना जितना हम चाहते हैं उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने खुद का अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा कि भाई एक्सपीरियंस तो है, तो मैंने वास्तु नाम से एक ब्रांड लॉन्चिंग करने का सोचा, तो मैंने एक 1800 स्क्वायर फीट की एक जगह इंडस्ट्रीज एरिया में रखी और वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू किया, और फिर धीरे धीरे अपना मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट का ही चालू किया। उसके पीछे भी खास करके एक रीजन था कि हमारे प्रोडक्ट क्यों हमने लॉन्च किया, भाई हम सोच रहे कि भाई 1500 रुपये से स्टार्ट किया था, अभी 20-25-50 हज़ार लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं तो क्या जरूरत है, लेकिन उसके पीछे एक गोल था कि मैक्सिमम लोगों को हेल्पफुल होने का है, और दूसरी चीज ये थी कि जिस जिस के साथ जिस जिस प्रोडक्ट का मैंने मार्केटिंग किया था उसमें भी कहीं ना कहीं गैप था, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आज हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो क्या होता है कि भाई वो प्रोडक्ट का कोई नाम निशान नहीं होता, हम मेहनत करके उसको खड़ा करते हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है कि भाई आप नहीं कर रहे हो तो दूसरे बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी मेरे को ध्यान में आई कि इसके साथ हम लंबा काम नहीं कर सकते ये सिचुएशन में, तो हमने ये ब्रांड लॉन्च करने का सोचा। तो फिर जो मेरी दुकान थी लगभग 350 स्क्वायर फीट थी, उसको मैंने ऑफिस में कन्वर्ट किया, 1800 स्क्वायर फीट का जो प्लांट था हमारा शुरुआत में वो आज 85,000 स्क्वायर फीट का प्लांट का लैंडिंग है, और जो ऑफिस की मैं बात करूँ 350 स्क्वायर फीट की ऑफिस थी वो आज 3500 स्क्वायर फीट की ऑफिस हमने बनाई है, जो रेड कारपेट एरिया ऑफिस है। तो ये सारा अचीवमेंट की बात करूँ तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का साथ सहकार मेरे को मिला है, मेरी टीम खास करके, कि कोई भी चीज़ हम अचीव करते हैं तो एक ही हाथ से नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोगों का वर्किंग रहता है, तो उसमें मेन तो उसका श्रेय मेरी जो टीम है उसको जाता है, जो हमने 12 लोगों से स्टार्ट किया था आज लगभग हमारी कंपनी में 250 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो टीम का वर्क है, टीम वर्क जो है वही उसका मेन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हुआ है उसका श्रेय मेरी टीम को जाता है। और दूसरी बात मैं करूँ तो 2009 में मेरी शादी हुई थी, तो वो टाइम पे बहुत सारी स्ट्रगल महीने की मैं जॉब करता था तब, और शादी करने के बाद 6-8 महीने के बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी, तो सब लोग को मालूम ही रहता है कि ये सिचुएशन बहुत स्ट्रगल का रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि भाई हमारे समझ में कैसा रहता है अभी की शादी में जितना भी हो सके उतना खर्चा हम कर देते हैं जितना हमारे पास रहता है, फिर 10 साल तक उसका हम इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, तो वही सिचुएशन कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुई थी, तो एक खर्चा हो गया, फिर भाई फैमिली को संभालने का, फिर जॉब छूट गई, अच्छी सारी जो जॉब थी वो भी छूट गई,
फिर हमने नया बिजनेस चालू किया तो फाइनेंशियल बहुत मेरे को प्रॉब्लम आया। तो उसी टाइम पे मैं वापिस इधर शिफ्ट हुआ सूरत में, तो मैंने छोटा सा एक घर रेंट पे लिया, उसका भी भाड़ा लगभग 2200 था। तो तब मेरी वाइफ ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जो मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ आज मेरी वाइफ ने जो मेरे को सपोर्ट किया, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि हम हमारी फैमिली से जब तक खुश नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। बाहर से अपना अपने को कितना भी सपोर्ट मिले लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता जब तक हम हमारे घर से खुश नहीं होते। तो ये मेरे को बहुत सारा बेनिफिट मेरे घर से मिला है कि मेरे को हर एक टाइम में मेरे को सपोर्ट मिला है। तब मैं मेरे जो सिचुएशन की बात करूँ मेरे फैमिली की, तो हम दो ही लोग इधर सूरत में रहते थे। तो तब 2000 समथिंग कुछ रेंट था मकान का, और 2 से 2500 में हम घर का सारा खर्चा निकाल लेते थे। तो वो सिचुएशन में से मैं निकला हूँ। तो आज भी मेरे एम्प्लॉय जो मेरे पास 250 लोग है, तो उसके उसको कैसे हैंडल करने का, उसकी क्या जरूरियात है, उसका उसके पास से कैसे काम निकालना चाहिए, उस हर एक चीज में से मैं पास हुआ हूँ। तो आज मेरे को ये सारी चीज है, सारा जो एक्सपीरियंस है वो आज मेरे को उसका ही सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत सारी बात है जो मेरे को ये जर्नी रही है। उसके बाद मैंने जो प्लांट डाला था 1800 स्क्वायर फीट का, तो हमने वो हिसाब से मशीनरी वगैरह सब वो हिसाब से लिया था कि 5 साल तक उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सपेंशन करने की। क्योंकि हम अपने को तो खाली क्या सूरत में बिजनेस करने का था, उसमें भी वराछा में। लेकिन जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च की मार्केट में, तो सब लोगों का अच्छा कस्टमर का फीडबैक आया कि बहुत सारा अच्छा सा पैकेजिंग आपने डेवलप किया है, बहुत सारी अच्छी डिजाइन है आपकी, जो नाम है वो कुछ अलग से है बाकी सब जो घी कंपनियां हैं उससे, तो बहुत सारा डिफरेंट लगेगा सब लोगों को। तो एक हमने वो हिसाब से हमारा एक बन गया मार्केट में कि कुछ डिफरेंट बना रहे है जो मार्केट में बहुत सारे लोग है उससे। तो मैं डिजाइन की बात करूँ ना, तो हमारी प्रोडक्ट की, तो वो हमने कैसे डेवलप किया है कि 6 महीने तक हम डिजाइनर के पास बैठे, उसके बाद में हमने ये डिजाइन डेवलप की है। वरना आज क्या रहता है कि लोगों को भाई रेडी मिल जाता है कि इसका कॉपी मार दिया, चलो भाई 2 दिन में भाई फटाफट करके लॉन्च कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, हम भी कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। हम किसी का आज तक हमने कोई कॉपी नहीं मारा कोई भी चीज का। हमारा नेम है, लोगो है, हमारा टैगलाइन है, कोई भी कंपनी में आपको नहीं दिखेगा वो चीज जो हमने डिफरेंट क्रिएट किया है। ये तो दूसरे की कॉपी मारने से अच्छा है कि हम हमारा माइंड उसमें यूज करके कि हम अलग से कैसे एस्टेब्लिश करें, वही होना चाहिए। आज भी हमारा पैकेजिंग है तो हमारा जो बोतल का शेप है, तो बहुत सारे लोग आज उसकी कॉपी कर रहे हैं। भाई तब अपने को ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं, हम कुछ अलग कर रहे हैं सबसे। बहुत सारे लोग भाई हम घी इंडस्ट्रीज में है, डेयरी इंडस्ट्रीज में है, तो जो सबसे बड़ी ब्रांड है उसका ही कॉपी करना चाहिए, लेकिन नहीं करते लोग। तो तब अपने को माइंड अंदर से फील आते है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई लोग तो हमारा जो नोट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जो प्लांट की मैंने बात की, जो फीडबैक मिला कस्टमर का, उसके बाद जो हमने 2 डिस्ट्रीब्यूटर के वराचा के जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर है उससे चालू किया था, आज लगभग 800 डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में है। हर एक स्टेट में हमारी सर्विस है, प्रोडक्ट है, लगभग 18 स्टेट में हमारी प्रोडक्ट है और सर्विस है। हर स्टेट में हमारे मैन पावर है जो कंपनी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम मेन चीज तो ये है कि हम इतने सारे लोगों को रोजगारी दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि इतने सारे लोगों के हम रोजगार दे रहे हैं। उसके हमारी जो एक प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, उसके हिसाब से उसका फैमिली आज चल रहा है। दूसरी बात कि जे हमने जो एक प्लांट डाला था कि भाई 5 ईयर्स के हिसाब से अपने को ये प्लानिंग किया था, लेकिन कस्टमर का फीडबैक, क्वालिटी, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप की। और तभी अपने को ये पीयूष जी भी मिले कि भाई उसने बताया कि अपना ऐसा ऐसा एग्जीबिशन हो रहा है
और पहले मैं विजिट भी किया था उधर फूड मेक एशिया जो वनिता विश्राम में हो रहा है, मैं विजिट करके आया था, लेकिन उतना मेरे माइंड में नहीं था। जब वो मेरी ऑफिस पे आए, उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे आप बिजनेस को ग्रो और भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से हम जुड़े हैं पीयूष जी के साथ, फूड मेक एशिया के साथ, तो उससे भी हमने बहुत सारा बेनिफिट लिया है। जो एग्जीबिशन हर एक साल में एग्जीबिशन रहता है तो हमारा स्टॉल वहाँ पे रहता ही रहता है। आज भी हम मैं बात करूँ तो पास्ट में हमने जो एग्जीबिशन लगाया था उधर स्टॉल था, तो अपने को एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारा उधर उधर से अपने को एक हमारी ब्रांड को अवेयरनेस मिली है, और वो हिसाब से हम एक्सपोर्ट के लिए भी हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा अचीवमेंट है हमारे लिए। दूसरी बात ये कि जो प्लांट की मैं बात करूँ, एक साल के बाद हमने फिर ऐसा प्लांट हमारा छोटा पड़ने लगा, क्योंकि हमने पूरे गुजरात में प्लांट ब्रांड जो हमारी है वो एक्सपेंस की थी। पहले हमने सूरत में किया, फिर राजकोट में चालू किया, फिर अहमदाबाद में, ऐसा करके पूरे गुजरात में। आज हम बात करें तो गुजरात के छोटे छोटे गांव में भी हमारी प्रोडक्ट आज मिलेगी, और फिर राजस्थान चालू किया, फिर MP किया, फिर दिल्ली, फिर इधर ये साइड देखे तो महाराष्ट्र किया, फिर साउथ किया पूरा। तो वो हिसाब से ऐसे ये साइड देखो को हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर तक हमारा प्रोडक्ट आज जा रहा है। तो ऐसे मिलकर 18 स्टेट में हमारा प्रोडक्ट है। उसके लिए हमें लगभग 3 बार प्लांट को एक्सपांस करना पड़ा। अभी रिसेंटली हमारी 5th एनिवर्सरी गई, 5 साल का जो हमने पहले प्लानिंग किया था उसमें 3 बार हमने प्लांट को एक्सपांस किया, कि लगभग कंस्ट्रक्शन 1 साल के जब हमने प्लांट चालू किया उसके बाद 1 साल के बाद कंस्ट्रक्शन चालू किया था, वो लगभग 3.5 साल तक हमने कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी में चालू रहा है। अभी लगभग लास्ट 6 महीने से बंद है। तो हमारे आज जो प्लांट की कैपेसिटी है वो भी आज लगभग 25,000 kg पर डे हम प्रोडक्शन कर सके, वो हिसाब से हमारा प्लांट हमने एस्टेब्लिश किया है। जो पहले 5 टन का प्लांट था कि भाई पर डे हम 5 टन घी उसमें प्रोडक्शन कर सके। और दूसरी बात ये है कि हमने उसके साथ साथ में घी के साथ साथ में बहुत सारी प्रोडक्ट भी डेवलप की है। जैसे कि रिसेंटली हमने लॉन्च किया बेकरी आइटम किया है, फिर मिल्क है, बटर मिल्क है, कर्ड है, और ये 2 महीने पहले का हमारा प्लांट था, 3 महीने पहले का, कि भाई ये सीजन में हम आइसक्रीम है, चीज है, पनीर है, ये सब सारी चीजें है वो लॉन्चिंग करने वाले थे, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से, जो कोविड के हिसाब से हम नहीं कर पाए, वो हमने अगले साल में किया है, कि वो हिसाब से हम आगे भी हमारी प्रोडक्ट मार्केट में आने वाली है। और ये हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर रहे हैं। यस अमित जी, राइट भूपत जी, सी आई थिंक जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स होते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता है, जो किसी की गादी पे आके नहीं बैठते हैं, आई गेस वो हर चीज अपने हाथ से करते हैं। और हमारे जितने भी ऑडियंस आपको सुन रही है और जितने कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आ रहे हैं सर, आई थिंक ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाती है सबके लिए, क्योंकि एक छोटे से काम से अपने आप को शुरू कर एक बड़े से एम्पायर तक ले जाना। एंड मैं इनफैक्ट हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि वास्तु घी ने अभी अभी 8 अगस्त को अपनी 5th एनिवर्सरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, है ना, अपनी 5th एनिवर्सरी को आपने किया है। एंड जो जर्नी रही है, जैसा आपने अभी बताया है, हैज बीन रियली वंडरफुल। मतलब जब सुनने को मिलता है कि यू नो आपने कहां से शुरू किया, 1800 स्क्वायर फीट से लेके 85,000 स्क्वायर फीट तक आप पहुंचे, 12 से लेके सीधा 250 एम्प्लॉइज तक आप पहुंचे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन सर इसके साथ साथ मैं तो एक कंसल्टेंट हूं एंड वी प्रोवाइड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस, तो मैं तो आपसे चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि प्रगति तो सब देखना चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस के बारे में जब समझ में आता है तब पता पड़ता है कि कितनी मेहनत लगी है। सो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट 5 साल में बहुत कुछ हुआ है, इकोनॉमी में बहुत कुछ हुआ है, काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, जो हम सुन रहे हैं उनको भी पता है कि नोटबंदी आया, GST आया, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ बिजनेस जो सेट हो रहे थे, कुछ जो लोकल से ग्लोबल होना चाह रहे थे, कुछ जो अपने आप को ब्रांड में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, इन सब लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स
आए हैं अपने रास्ते में। तो सर हमें आप ये बताइए कि ये जो 5 साल, ये आपकी 5th एनिवर्सरी है, सो इन 5 सालों में जो भी सारे डिसीजन हुए हैं, वेदर इट इज गुड और बैड, वेदर इट इज इन आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में, इन सबको साथ में लेकर आपने किस तरह से अपनी छोटी सी, जो आप कहते हैं कि आप छोटी सी शुरुआत को एक ब्रांड में कन्वर्ट किया, तो इसके बारे में थोड़ा और हमें बताइए सर। हाँ यस अमित जी, तो पहले तो अपने पास गोल होना चाहिए कि हम कोई भी काम करते तो क्यों कर रहे हैं, वाई, अपना पहले तो वाई क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो क्यों करें, किसके लिए करें। आज हम मान लो कि एक फैमिली चलाने का है अपने को, तो 20,000 25,000 50,000 की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बाद क्या हम क्यों इतना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हैं, हम क्यों 6 बजे उठते हैं सुबह में, बाकी सब लोग 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है कि भाई डीमोटिवेट होते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम सब, बाकी सब लोग कंफर्ट लाइफ में जी रहे हैं और हम क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हैं। तो अपने पास एक गोल होना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए, और वो अचीवमेंट कैसे होगा उसके लिए हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, तो ही हम अचीवमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें मेरे में थी पहले, और वो हिसाब से हमने प्लानिंग किया, और ये सब चीज होने के बाद भी क्या मेन दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो आजू बाजू वाले लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो आजू बाजू वाले के बिजनेस, आजू बाजू वाले जो बिजनेस पर्सन है, उसको देख के ही हम करते हैं, हम कुछ नया नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते कि हम भाई कोई भी हमारे माइंड में कुछ नया आइडिया आता है कि हमें ये चीज करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 10 लोगों को पूछते हैं कि भाई कैसे करना चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस है बिजनेस का तो उसको पूछते हैं। तो मेरी एक पर्सनल टैगलाइन है कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की, तो यही होना चाहिए एक्चुअल में कि भाई सुनने का सबको, लेकिन अपने को क्या करने का वो अपने को दिल, अपने दिल को ही पूछ के करना चाहिए, क्योंकि भाई पूछने जाओ तो भाई पूरी दुनिया आपको सलाह देने बैठी है आज तक, क्या करोगे आप आपको कंफ्यूज कर देगी, वो जो लोग है वो आपको कंफ्यूज कर देते भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई आज मैं कोई बात करूं, मेरी खुद की बात करूं, तो जब मैंने जो वराछा में छोटा सा डेयरी चालू किया था, तब उसका मैंने ओपनिंग रखा था, हम कोई ना कोई चीज मार्केट में रखते हैं तो ओपनिंग करते हैं उसका, अच्छी तरह से आजू बाजू वाले को बुलाते थे, तो हमने भी ऐसे किया था कि भाई आजू बाजू वाले लोग है, अपार्टमेंट है, उसमें सब हर एक घर पे जाके कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और वो हिसाब से हमने छोटा सा एक ओपनिंग रखा था हमारी डेयरी का। तो मेरे को बहुत सारा फीडबैक मिला था, जिसके जिसके घर पे हम गए कार्ड देने के लिए, तो उसने बताया मेरे को कि भाई आप जहाँ पे डेयरी डाल रहे हो ना, वहाँ इतना बड़ा खर्चा मत करो। मैं बोला क्यों भाई, क्यों खर्चा नहीं करना चाहिए मतलब, तो बोले वहाँ 5 लोग तो डेयरी बंद करके चले गए, आप 6ठे लोग हो, आपको पता नहीं। मैं बोला वो तो मेरे को पता नहीं है कि भाई मैं 6ठा लोग हूँ, और उसमें एक चीज ये भी जानने मिली कि जो खुद मालिक था, ये सब तो 4 लोग तो रेंट वाले थे, खुद मालिक था उसको भी नहीं परवड़ है ये चीज कि यहाँ पे इतना बिजनेस है नहीं और आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो। लेकिन मेरा गोल कुछ और था, मैंने वो चीज ध्यान में ही नहीं रखी, मेरे ध्यान में ही नहीं आया वो चीज। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा होता तो क्या करता, डे टू डे उसके माइंड में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है, सुबह में उठता साला वो बोल रहा था ना वो सही था कि साला ये गलत, मैंने जो ये मेरा आइडिया था ना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। मेरे माइंड में भी 2-3 बार आया था भाई, मैंने 1 साल चलाया डेयरी, तो मैं बोला यार इतना कर्जा लेके मैं कर रहा हूँ फिर भी कुछ सामने दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक गोल था, एक विजन था, इसलिए मैं सक्सेस हुआ। बस सक्सेस का एक ही राज है कि अपने पास अपना बस एक गोल होना चाहिए, उसके लिए रोड मैप होना चाहिए, तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं, और सक्सेस का और कोई राज नहीं होता। यस अमित जी, सर आपकी जर्नी में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हुए होंगे, बिकॉज GST आया है, नोटबंदी आया है, तो इसके ये किस तरह से फैक्टर आपको अफेक्ट किया अपनी जर्नी में? यस 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 अमित जी, हमारी जो 5 ईयर की ये जर्नी रही है, उसमें पहले तो 2016 में नोटबंदी आई, उसके बाद में तुरंत 17 में GST आया, उसके बाद में रिसेंटली आप देख रहे हो कि कोविड आया, तो ये बहुत सारा स्ट्रगल किया है वो सब चीज़ों में हमने।
तो पहले तो नोटबंदी आई, लेकिन हमने पहले से ही बिजनेस स्टार्ट किया, डे वन से हम एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही काम करते आए हैं कि पहले वेट था, जीएसटी नहीं था, तो तब 5% था। मान लो कि हमारी प्रोडक्ट ये है, एक एवरेज रेट हम पकड़ते हैं कि 400 रुपया, तो 5% के हिसाब से 20 रुपया वेट होता है उसका, जो अपने को कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट में पे करने का रहता है। तो पहले भी हमने वो वेट में भी काम किया है, और हमने हमारे से जुड़े हुए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक व्यापारी को हमने समझाया कि भाई लॉन्ग टाइम अपने को मार्केट में टिके रहने का है तो सिस्टम में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको आना ही है। तो हमने ये 1.5-2 साल में जब नोटबंदी हुई उसके 1.5 साल पहले हमने जो बिजनेस चलाया, तब तक हमने बहुत सारे जो हमारे जो अनऑर्गेनाइज व्यापारी थे उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लाए, तो वो सारा बेनिफिट अपने को मिला कि अपने साथ भी जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन वे में चल रहे थे, तो सब बिलिंग वगैरह हम कर रहे थे, तो वो हिसाब से हमारे पास जो भी नोटबंदी के टाइम पे जो केस थी वो हम एडजस्ट कर पाए हैं। और उसके बाद आफ्टर सेवन या एट मंथ के बाद तुरंत आया जीएसटी, तो जीएसटी तो हमारी प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो तो 12% हो गया, 5 में से सीधा 12%, मतलब 7% का डिफरेंस, 7% मतलब पर केजी 28 रुपये का डिफरेंस तुरंत दूसरे दिन, तो कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो सब चीज़ें भी पॉसिबल हो गई बहुत आसानी से, उसमें से नोटबंदी भी अपने बिजनेस को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जितने भी अनऑर्गेनाइजेशन बिजनेस थे वो बंद हो गए, उसमें तो हमारी कॉम्पिटिशन जो थी वो बहुत सारी कम हो गई, और वही सिचुएशन जीएसटी में हुआ। जीएसटी आज हमारी प्रोडक्ट की बात करूँ 400 रुपया, तो आज 12 चौको 48 रुपया पर केजी आज खाली जीएसटी के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है। मान लो कि कोई बंदा है उसको कुछ रिटर्न नहीं भरता, कुछ लेना देना नहीं है कि कहीं से लिया कहीं बेच दिया, तो उसकी प्रोडक्ट और हमारी प्रोडक्ट सेम क्वालिटी में 50 रुपये का डिफरेंस आता है, फिर भी हम मार्केट में आज खड़े हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जितने भी मार्केट में बिजनेस ओपन होता है, एमएसएमई की बात करूं, उसके डेटा की मैं बात करूं, तो 10 ईयर में लगभग 97% बिजनेस बंद हो जाता है। वो इसलिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन वे में नहीं चल रहे, इसलिए वो बंद हो जाता है। आज तक अमित जी आपने कहीं सुना कि कोई बंदा था बिजनेस चालू किया और बहुत सारा टैक्स उसने भर दिया और वो बंद हो गया उसका शॉप है या उसका बिजनेस? लेकिन आज लोग डरते हैं, वहीं से डरते हैं। आज जो एक कॉरपोरेट बिजनेस है उसको क्यों लोग उसको ध्यान में नहीं रखते, एक छोटा बिजनेस आजू बाजू में जो बिजनेस चल रहा है उसको ध्यान में रख के बिजनेस कर रहा है। आज अपने को फॉलो करने के तो अमूल से ही फॉलो करें ना, बराबर ना, जो इंडस्ट्री लीडर है उसको फॉलो करना चाहिए ना, नहीं कि अपने एरिया में जो आजू बाजू वाले जो काम कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं हम। तो ये बहुत सारी मेंटालिटी है लोगों में, वो क्लियर करना चाहिए पहले तो, जो अगर एक बार ये चीज क्लियर हो गई तो कोई भी बिजनेस में इतनी कोई दिक्कतें नहीं है। और रिसेंटली अभी जो ये आया कोविड जो मार्च में अपने इधर हुआ, तो हम भी क्या है अभी तो ये फूड रिलेटेड बिजनेस में है, तो मेरे हिसाब से जो खाने पीने की चीज है उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है यार। बीच में दो महीने था जो पूरा 100% लॉकडाउन था, तब हमारा बिजनेस भी 30% हो गया था, लेकिन हमारे जो टीम मेंबर है, एम्प्लॉय है, उसने बहुत सारा सपोर्ट किया हमें कि हम ये सिचुएशन में भी हम टिक पाए हैं, और अभी हमारा बिजनेस जो है वो एकदम स्मूथ चल रहा है। जी अमित जी, राइट सर, मतलब स्ट्रगल्स तो हैं सर, ये बात तो बाकी माननी पड़ेगी कि जो भी अगर मैं हमें ऑडियंस की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं सर, एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, एवरीबडी इज इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। पर सर ये बताइए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो कोविड का सिचुएशन है, एंड बिकॉज आप फूड इंडस्ट्री से हैं, कहीं ना कहीं ये हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप अभी अपनी फैक्ट्री में क्या नॉर्म्स यूज करते हैं कोविड के हिसाब से, किस तरीके से आपके प्रोडक्शन पे इन सारी चीजों का असर हुआ है, एंड इस ऐसे ऐसे डिप्रेशन के टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस तो अफेक्ट हो ही रहा है सभी का,
तो ऐसे टाइम पे कैसे आप एक चैंपियन बनके अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करते हैं कि ये भी एक फेज है और ये शायद गुजर जाएगा और आगे जो हमारी लंबी जर्नी है, जो आपने एक बहुत करेक्ट सेंटेंस यूज किया कि अगर कंपेयर करना है तो ब्रांड से ही ब्रांड को कंपेयर करें, एप्पल टू एप्पल ही कंपेयर करें, एप्पल टू ऑरेंज को क्यों कंपेयर किया जाए। तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं सर, किस तरीके से आप इस फ्लो को बनाए रखते हैं, इस एनर्जी फ्लो को बनाए रखते हैं जो आपको और आगे सक्सेसफुल बनाता है? नहीं, जो आज मैं जिस प्रोडक्ट रिलेटेड में बात करूं तो भाई हम फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर से काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज में फर्स्ट कौन है उसको ही फॉलो करना चाहिए। उसने क्या किया, उसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे उसकी जर्नी कैसी रही, तो आज मैं अमूल को फॉलो कर रहा हूँ और वो हिसाब से हम चल रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि अभी ये सिचुएशन के हिसाब से हम फूड रिलेटेड बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बाकी हम अभी बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत सारा बिजनेस अभी भी चालू नहीं हुआ, 6 महीने 4 महीने के बाद भी चालू नहीं हुआ है, हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी स्मूथली चल रहा है। और इसमें जो नॉर्म्स की बात की आपने, तो फूड रिलेटेड बिजनेस के साथ हम जुड़े हैं तो ये सारी चीज़ें तो अपने को ध्यान में रखनी ही पड़ती है कि हाइजीनिक प्लांट अपना होना चाहिए। बाकी अभी की सिचुएशन के हिसाब से मान लो कि फूड बिजनेस है, हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसमें हैंड ग्लोव्स रहता है, कैप होनी चाहिए, माउथ मास्क होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो रहती है जो वर्कर लोग काम करते हैं वहाँ पे। और जो ओपन प्रोडक्ट जब तक है, रॉ मटेरियल मतलब उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, जब तक वो प्रोसेस में है तब तक मेन पावर का कहीं उसका हैंड टच नहीं होना चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आज मैं मेरे प्लांट की बात करूँ तो हमारे पास जो मशीन है वो सब ऑटोमेटिक मशीन है कि रॉ प्रोडक्ट हमारी जो आती है, रॉ मटेरियल, उसको सीधा मशीन के थ्रू ही हम प्रोसेस करते हैं और एंड में फिनिश प्रोडक्ट बन के वो कार्टन में पैक होके फिर हम ट्रांसपोर्ट के लिए उसको डिस्पैच करते हैं। तो उसमें जब कोई भी चीज़ आती है तो उसका लैब टेस्ट होना चाहिए कि भाई मटेरियल सही यूज़ करने लायक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वहाँ से ही अपने को वो स्टॉप कर देना चाहिए, अगर चलने लायक है वो टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से सही है तो ही आगे हम प्रोसेस में भेजते हैं। और पूरा प्रोसेस एक बार हो जाता है तब उसको वापिस एक बार फाइनल बैच नंबर हम देते हैं, तब उसका वापिस एक बार टेस्ट होता है, फिर उसको डिस्पैच में हम वेयर हाउस में जाने देते हैं। और हमारी जो मेन प्रोडक्ट है घी, तो घी की मैं बात करूँ तो अभी मान लो कि हमारा पैकेजिंग है मेन तो अपना बोतल पैकेजिंग, तो वो हिसाब से हमने मशीन जो है प्लांट में रखी है कि एक साइड से एम्प्टी बोतल हम रख देते हैं और फिर आगे जाके वो फिलिंग होती है, फिर कैपिंग होता है, फिर श्रिंक होता है, फिर बैच नंबर वगैरह लगते हैं, फिर अपने आप आगे जाके वो कन्वेयर में ही वो फाइनल प्रोडक्ट बन के बॉक्स में उसको रखा जाता है, तो वो हिसाब से अनटचेबल प्रोडक्ट है हमारी। और अभी की सिचुएशन के हिसाब से हमने ये इम्प्रूव किया कि जितने भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो सब पहले तो एंटर होते हैं तो उसको पूरा सैनिटाइज करते हैं हम, फिर हैंड सैनिटाइज होता है, फिर ग्लोव्स पहनता है, उसका टेम्परेचर मापा जाता है, उसके बाद ही उसको एंट्री मिलती है, या अगर कोई विजिटर आता है तो उसके लिए ही सेम प्रोसीजर है। फिर हम फिनिश गुड को जब गाड़ी में लोड करते तब भी गाड़ी जो है व्हीकल उसको सैनिटाइज पूरा करने रहता है, ड्राइवर केबिन सब ये सब पूरा सैनिटाइज होके हमारी प्रोडक्ट मार्केट में निकलती है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अपने को भी। ऑब्वियसली एंड शायद ये जो आप ध्यान रखने वाली बात कर रहे हैं सर, इसी वजह से आप एक ब्रांड बन गए हैं और लोगों का जो विश्वास है वो आप पे बढ़ रहा है। सर इसी कड़ी में एक सवाल एक्चुअली एक ऑडियंस से भी आया है, एंड बिकॉज घी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हिंदुस्तान में, हर घर में घी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जिसको हम बहुत जिसको बोलते हैं एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से खिलाती है, एक बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो उसे बड़े प्यार से यूज करते हैं, तो ये किचन में एक सबसे प्यारा इंग्रेडिएंट है जिसको जब भी यूज किया जाता है तो बहुत प्यार के साथ यूज किया जाता है।
तो एक क्वेश्चन इस तरह से है सर कि ये जो देसी घी है एंड रिफाइंड ऑयल्स है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, और क्या देसी घी रिफाइंड ऑयल से हेल्दी है, तो क्या ये चीजें सही है, किस तरीके से है इस पर? जो रिफाइंड ऑयल है वो ओनली कुकिंग के लिए है, लेकिन घी है जो देसी घी है उसमें भी खास करके जो काऊ का घी है वो बहुत सारा अपने हेल्थ के लिए बेनिफिट उसमें से मिल रहा है अपने को। और पहले कैसा था कि जो घी की हम अभी खाली बात करें तो उसमें दो टाइप के घी रहते हैं, काऊ और बफेलो। उसमें बफेलो घी है वो अपने को मान लो कि किसी को वेट गेन करने का है तो उसके लिए वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और कोई अखाड़ा में कुश्ती करता है तो उसके लिए वो चीज़ वो शक्ति पावर देता है, बराबर ना। और जो गाय के घी है वो वेट लॉस भी करता है, वेट गेन भी करता है, वो उसको और स्टेबल भी करता है। और गाय के घी का अपने इसमें आयुर्वेदा में भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें लगभग 1000 चीज़ लिखी गई है आयुर्वेदा में कि गाय के घी का क्या क्या बेनिफिट है। आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ तो 80% जो है वो बफेलो घी बिकता था और 20% काऊ का घी बिकता था, लेकिन आज सिचुएशन पूरा उल्टा हो गया। आज 80% काऊ का घी बिक रहा है और 20% ही बफेलो घी बिक रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि लोगों में अवेयरनेस आई है काऊ के घी को लेके। तो गाय का जो घी है वो अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है, अभी ये कोविड का जो टाइम चल रहा है तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है जो गाय का घी है। और रिसेंटली हमने ये जो सिविल में जो पेशेंट है उसको हमने हमारे जो पाउचेस है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि डेली 1 पाउच उसको दिया जाए, जो हमारा 12 ml का पाउच है वो सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था क्योंकि उससे क्या है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ता है तो उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है उसकी हेल्थ को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गूगल पे जाइए तो 1000 चीज़ मिलेगी कि गाय के घी का क्या क्या बेनिफिट है, हम बोलने जाए तो 2 घंटा भी कम पड़ेगा उसके लिए। करेक्ट, वेरी ट्रू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज़ जो मुझे बहुत पर्टिकुलरली मैं जो ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ आपकी हर बात में और इनफैक्ट आपके ब्रांड में कि आपने हर चीज़ को बहुत बारीकी से बनाया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर लोगो, मतलब आप जो आपने पहले भी कहा कि यू नो आपने एक बहुत अच्छा लंबा टाइम लिया है अपनी हर चीज़ को डेवलप करने के लिए, आपने एक अच्छी मेहनत की है अपने हर ब्रांड के हर पार्ट को डेवलप करने के लिए। तो सर ये जो वास्तु नाम है इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसका मतलब क्या है, एंड किस तरीके से आप इस ब्रांड की डिजाइनिंग को आपके मिशन को और विजन को लेके चल रहे हैं, इस बारे में थोड़ा और बताइए सर। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि हम दूसरों से बहुत डिफरेंटेड है, हमने किसी का कॉपी करने का ये सब ऐसा पहले से ही हमारे माइंड में नहीं है, तो हमने वो चीज़ और हम हमारे नेशन को ग्रो करने में काम कर रहे हैं। हम आज भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 100% वो बिलिंग से ही जा रहा है। तो हर एक जो हमारे कोर आइडियोलॉजी आपने देखा होगा तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि हमारी जो पूरी टीम है उसका एक ही विज़न है कि हमारे राष्ट्र को डेवलप करने का, और इसके पीछे हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो वो हिसाब से हमने लोगो क्रिएट किया है, उसमें आप देख सकते हो कि उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है हमारे फ्लैग से रिलेटेड है, हमारे कुछ ना कुछ तो मैसेज देता है हमारे राष्ट्र को, तो ऐसा ये चीज़ है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। और डिज़ाइन वगैरह हमने वो हिसाब से ही क्रिएट किया है, तो बहुत सारे डिफरेंटेड मेरे जो बिजनेस है उसमें आपको दिखेगी। और करेक्ट सर, थैंक यू। और जो मिशन विजन की आपने बात की तो हमारा पहले तो हमारा डीएनए है सिस्टम ह्यूमैनिटी एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी हम काम करें तो सिस्टम से करें, बिना सिस्टम हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, कोई भी XYZ काम। और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता को ध्यान में रख के काम करने का, भाई हम एक फूड रिलेटेड बिजनेस में है, भाई हर एक के घर में चीज खाने के लिए जा रही है, तो मेन हमारा पर्पज ये है कि मानवता को ध्यान में रख के काम करें। और ह्यूमैनिटी और कंट्रीब्यूशन मतलब कि एक्सपेंशन, भाई कोई भी एक चीज है उसको कैसे हम डिवाइडेशन करें। तो कंपनी का तो ग्रो हो रहा है लेकिन उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं सब,
उसका भी ग्रो होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। कंट्रीब्यूशन मतलब कि हमारे साथ जो हमारी टीम है, हमारे रिटेलर्स है, हमारे कस्टमर्स है, हमारे शेयर होल्डर्स है, ये सबका ग्रोथ होना चाहिए। कंपनी के साथ साथ में उसका भी ग्रोथ होना चाहिए, जो हमारे वेंडर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, सबका ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा हमारा मानने का है, कंपनी का ऐसा मानने का है। और मिशन हमारा ये रहा है कि भारत के हर घर में हमें हमारी प्रोडक्ट पहुंचाने का है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक आज हम हमारी घी जो प्रोडक्ट है उसकी हम बात करें तो माइंड में पहले तो ये आता है कि भाई घी है तो वो कोई रिच पर्सन ही खरीद सकता है, बराबर। घी खरीदना किसी के आम आदमी का काम नहीं है, तो हमने वो हिसाब से हमारा पैकेजिंग डेवलप किया है। हमने ऐसा 10 रुपीज वाला पाउचेस जो है वो हमने रखा है कि 10 रुपये का घी कोई भी आज की डेट में खरीद कर सकता है, तो वो हिसाब से हमारा डिफरेंट जो पैकेजिंग है हमने डेवलप किया है, और वो हिसाब से हम भारत के हर घर में पहुंचना चाहता है। और विजन जो हमारा है वो है आने वाले 2 साल में 2022 में 500 करोड़ का टर्नओवर करने का है, क्योंकि ये तो बाय प्रोडक्ट है। अगर हमारा गोल अचीव धीरे धीरे हो रहा है तो ये बाय प्रोडक्ट है, जो विजन है वो। और बिहेग है जो मेन है वो है 1 लाख करोड़ टर्नओवर करने का। आज मैं अमूल की बात करूं तो अमूल का टर्नओवर है 38,000 करोड़, तो उसके हिसाब से हमारा तो 3 गुना विजन है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अमूल को 2 बार हम बीट 3 बार बीट करने वाले हैं, तो वो टाइप का हमारा बिहेव है। और वो सारी चीजें हम लेके साथ में चल रहे हैं, और हमारा टैगलाइन मेन जो है वो स्योरिटी फॉर प्योरिटी, और इसके दम पे ही हम आज मार्केट में खड़े हुए। यस अमित जी, थैंक यू सर। सर पर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री में अभी थोड़ा डरावना सवाल जो हमारी इंडस्ट्री में से आता है कि बहुत सारी मिलावट होती है सर, क्योंकि सबको क्विक प्रॉफिट चाहिए, सब लोग चाहते हैं कि भाई मेरा रॉ मटेरियल कम लगे लेकिन मेरा मार्जिन बढ़ जाए और मेरा प्रॉफिट दोगुना तिगुना चौगुना हो जाए। एंड बिकॉज फूड रिलेटेड आइटम होती है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा उसके बिना अपना जीवन निकाल भी सकता है। तो सर ये आजकल कई सारी जगह पे हम पढ़ते हैं, कई सारे न्यूज भी ऐसे आते हैं कि ये जो स्मेललेस इम्पोर्टेड ऑयल्स जो होते हैं, स्मेललेस बटर ऑयल जो होते हैं, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो यस यस, एज एन एंटरप्रेनर आप हमारे ऑडियंस को कोई ऐसा तरीका या ऐसा कुछ बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है और इसके कितने नुकसान है? यस यस, मेन चीज तो ये है कि भाई बहुत सारी हम फूड रिलेटेड घी इंडस्ट्रीज में है तो इसमें ज्यादातर देखने में आया है कि वेजिटेबल फैट उसमें ऐड होता है, तो उसके हिसाब से क्या हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम आती है कि भाई ज्यादातर मार्केट में आप देख रहे हो कि अभी ये जो बीमारियां है वो बढ़ने लगी है रिसेंटली, तो ये हिसाब से भी फूड में जितना भी प्रायोरिटी नहीं है तो ये चीज होने वाली है, हेल्थ को नुकसान करने वाली है ये चीज। तो उसके बाद हम घी की बात करें तो घी में जो जिसे आपने बटर ऑयल किया तो वो चेक करने का उसके लिए लेबोरेटरीज है, तो लेबोरेटरी के बिना वो चेक नहीं होती, क्योंकि आज बहुत सारे ऑयल्स ऐसे मार्केट में है तो वो ऐड करने में से घी को कोई पारखा जाए ऐसा नहीं है, उसको टेक्निकली लैब में ही चेक किया जाता है तभी अपने को मालूम पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, और चेक करने का भी बहुत सारा पैरामीटर है उसमें। आज मिल्क से ही घी बनता है तो मिल्क में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में देखने को आती है, तो वही डायरेक्टली घी में आती है अगर हम चेक नहीं करते कोई भी रॉ मटेरियल, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए हमने हमारे प्लांट में ही लैब लगाया हुआ है जो इंडस्ट्रीज में हर एक के पास नहीं होता, जो बाहर चेक करवाते, लेकिन हमारे पास तो जो रॉ मटेरियल आता है वो भी चेक होता है, फिर फिनिश गुड एक बार बैच बन जाता है उसका भी एक बार टेक्निकली चेक किया जाता है कि अगर वो सही है तो ही हम मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सर आपने बहुत सारी बात की आपके बारे में, आपके एम्प्लॉय के बारे में, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं उस बारे में, पर एक बात जो मुझे खुद को भी पता है दैट आपका एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है एंड सिर्फ अपने लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस है ही ऑफकोर्स, बट उसके उसके अलावा भी बहुत सारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में आप जो ये काम कर रहे हैं, लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं, इवन मुझे पता है कि लॉकडाउन के टाइम में भी आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे बेघर लोगों को काफी सारे आपके फूड प्रोडक्ट्स एंड आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आपने पहुंचाए हैं, तो सर ये सब करने का इंस्पिरेशन और इन सब के पीछे किस तरीके से आप इन्वॉल्व हैं, वास्तु किस तरीके से इस तरह की सेवा कर पा रहा है, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये और क्या क्या करना चाह रहा है आगे फ्यूचर में, इसके बारे में सर बताइए थोड़ा। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा एक रोड मैप रेडी है, तो इसमें ये बहुत सारी चीजें आ ही जाती हैं। और रिसेंटली हमने जो ये हमारा वास्तु का जो 5 इयर्स पूरा हुआ, तो हमने एक वास्तु चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसके अंडर में हम जो पुअर पीपल है उसको हेल्प करने वाले हैं, जो बुजुर्ग लोग है उसको हेल्प करने वाले हैं कि भाई कैसे उसको मैक्सिमम हम हेल्पफुल हो सके, तो एजुकेशन वगैरह, वृद्धाश्रम है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और ऐसा ही नहीं कि हम ये चैरिटेबल ट्रस्ट हमने ओपन किया तो ही हम ये चीज़ करने वाले हैं, ऐसा नहीं। हमने जब से काम चालू किया 5 साल पहले, तब से हमने एक्टिविटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमने हम एक आज से 5 साल से काम करते आए हुए। उसमें जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उसको किट डिस्ट्रीब्यूशन करने का, फूड ये वगैरह, राशन वगैरह ये सब करते आए हैं। फिर मान लो कि कभी कोई अवेयरनेस का काम करने का है, रिसेंटली वोटिंग था तो वोटिंग के टाइम में हमने हमारा जो प्रोडक्ट एक है मसाला छाछ करके, तो जितने भी लोग वोट करके बाहर बूथ से बाहर आते थे वो सब लोगों को हमने हमारे जो सूरत एरिया है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि जो वोट करके अपना निशान बताए तो उसको हम एक छाछ पिलाते थे, जो वो धूप के टाइम पे वोटिंग का पीरियड था, तो वो हिसाब से हमने वो एक अवेयरनेस के हिसाब से कि भाई वोटिंग करना जरूरी है वो चीज ध्यान में रख के किया। फिर अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो एक कोविड में जब से पहले ये बताया गया कि भाई अपने को ये 2 दिन बंद रखने का है पूरा, उसके अगले दिन से ही हमने मास्क बनवा लिया था, क्योंकि हम बाहर की सिचुएशन देखते थे कि हमें क्या प्रिपेरेशन करना जरूरी है, तो हमने वो चीज़ हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और सबसे पहले जो 4 रास्ते पे जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं उसको हमने हर जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई आप अपनी हेल्थ की केयर करो, मास्क पहनो, ये सब अवेयरनेस हमने जगाई मार्केट में। और आज की डेट में मैं बात करूँ तो ऐसे हर जगह पे जाके हर लोगों को हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट लगभग 1 लाख समथिंग मास्क हमने आज तक डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 महीने में। जी अमित जी, हेलो। यस सर सर और एक चीज ये बताइए आपकी, मुझे ये भी बताया कि आपकी टीम ने बहुत ग्रो किया है सिंस फ्रॉम स्टार्ट, 12 then 18 और उसके बाद 250, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम भी आपकी टीम से जुड़े हुए रहते हैं। मुझे सर ये बताइए कि पूरी दुनिया जहां लॉकडाउन में अपना एम्प्लॉई नंबर जो है वो कम कर दी जा रही थी, तब आपने बहुत सारा रिक्रूटमेंट किया है सर, सो इसके पीछे सर क्या राज है सर इसके पीछे? यस उसमें एक ही चीज कि एक तो उसमें हमारा जो मोटो है वो रिफ्लेक्ट होता है कि मैक्सिमम लोगों को हेल्पफुल होने का है, उसको रोजगारी देने का है, एक चीज मैक्सिमम यही रिफ्लेक्ट होती है। और रूटीन में निकालने का, ऐड करने का, ये सारी इंडस्ट्रीज में तो होता ही रहता है, लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में हमने लगभग 25 लोगों को हायर किया है इधर खाली सूरत में, 25 लोगों को हायर किया, उसको रोजगारी दी है, तो ये हमारा जो कहीं ना कहीं मोटो है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है।
सर दूसरा एक टेक्निकल सवाल मैं मेरे एंड से पूछना चाहता हूँ कि बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, सर मुझे और मेरी ऑडियंस को आप ये भी बताइए कि किस तरीके से इन 5 सालों में टेक्निकली भी आपने बहुत सारा ग्रो किया है। आई नो मैं आपसे बहुत पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ सर, सो मैंने देखा है वो डेवलपमेंट आपके काम में, आपके स्ट्रक्चर में, आपकी स्ट्रैटेजी में। तो सर ये एक बात समझनी है हमारी ऑडियंस के लिए भी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करती है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लेके जाते हैं, किस तरीके से वो आपका काम ईजी करती है, किस तरीके से आपकी टीम को वो मैनेज करने में आपको हेल्प कर रही है। यस यस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन वे में चल रहे हैं तो आगे जाके अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। हम एक छोटी सी दुकान चालू की थी, उसमें से अभी हमने ऐसा एक एम्पायर खड़ा किया है, जैसे अपना प्लांट, अपनी HO सूरत में और हमारा सेल्स ऑफिस है जो महाराष्ट्र मुंबई में गोरेगांव में, तो वो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन वे में चलते हुए किया है और उसके साथ बहुत सारी चीजें वो जुड़ी हुई है। क्योंकि एक हमारा जो मैंने पहले बताया ना कि DNA, उसमें पहला आता है सिस्टम, और हम जो कोई भी काम हम करें और सिस्टम से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती आगे जाके, तो और उसके लिए प्री प्लानिंग भी होना जरूरी है, बराबर ना। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, आपका काम बड़ा इंस्पिरेशनल है, हमारी ऑडियंस भी देख पा रही है कि ना सिर्फ बिजनेस और ना सिर्फ ग्रोथ, बट आपने एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी का फैक्टर भी इंक्लूड कर रखा है, जो इंसानियत है उसके साथ साथ जब आप एक बिजनेस करते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर का इंटेंट नजर आता है कि वो अपना काम किस सच्चाई और किस ईमानदारी से कर रहा है। और आज का ये जो पूरा सेशन था वो शायद इससे बेटर ग्रोथ स्टोरी और इससे बेटर अपने काम के प्रति ईमानदारी और इसका एग्जांपल हमें नहीं मिल सकता था। सो थैंक यू वेरी मच भूपत जी, थैंक यू वेरी मच आपकी टीम को भी, दैट यू पीपल आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। जिस जोश और जिस उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी यही कामना है कि बस फूड इंडस्ट्री आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ और आगे बढ़े, इंडिया में आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स और हों, और हम ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को लेकर आए और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उनके साथ आपके साथ शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पीयूष जी, आपका और भूपत जी का तो बहुत लंबा और पुराना रिश्ता रहा है, सो जो चीजें भूपत जी ने अपने बारे में नहीं बताई है वो अब आप बताइए सर। पीयूष जी आपका माइक म्यूट है। ठीक है, हाँ भूपत जी की बात करूँ तो उन्होंने एक चीज बताई कि शादी के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी, चली गई, तो इसमें कैसा होता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उनकी जॉब चली गई, उसमें कुछ आता ही नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों छोड़ दी, ऐसा वैसा बहुत चीज उनको, तो अपने तो खुद अपने रिलेशन वाले से, अपने ससुराल वाले से बहुत सुनना होता है, और उतना तब उतना स्ट्रेस भी होता है कि भाई सब लोग मुझे क्या बोलेंगे, इतनी छोटी जॉब करना, इतना छोटी जगह पे दुकान करना, लॉस करना, और काम नहीं होता है। और मैं वही बोलना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है कि 5 साल में जो इतना ग्रोथ किया ना, तो उसके पहले के 5 साल में उसने बहुत सारा सेटअप कर लिया होता है, उसके दिमाग में पूरा सेटअप रहता है कि अगले 5 साल मुझे क्या करना है। वो उनका बैकअप बैक नहीं था, वो उनका फास्ट दौड़ने के एक पीछे हट थी कि मुझे आगे कहाँ फास्ट निकलना है, वो पीछे हट किया था। तो ऐसे ही उन्होंने पहले से 5 साल पहले से उसने प्लान कर लिया होता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो 5 साल जो उन्होंने जो गवाए वो गवाए नहीं थे, उन्होंने फास्ट दौड़ने की एक प्रैक्टिस चालू की थी, तब जाके ये लास्ट जो 5 साल में उसने ग्रोथ किया ना, वो ग्रोथ सामने आई है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और आगे भी हम चाहते हैं कि और 5 साल के अंदर आप उसके भी 5 गुना ग्रोथ करो, ऐसी हमारी शुभकामना आपके साथ है जी।
थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। सो इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। सक्सेस स्टोरी ऑफ एंटरप्रेनर्स ब्रॉट टू यू बाय फूड मैक एशिया, नवकार एंटरप्राइज, मीरा कंसल्टेंसी, जानकी कॉर्पोरेशन एंड लीलाबा अवार्ड्स। आज हम सभी लोग भूपत सर आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये पूरी जर्नी हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ जो शेयर की है उससे काफी कुछ हमें जानने को मिला है, काफी कुछ हमें सीखने को मिला है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सर आगे भी जब हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिले तब इसी एपिसोड में आप हो, हम हो, पर स्टोरी इससे भी बड़ी हो और सक्सेस इससे भी बड़ी हो। सो इसी उम्मीद के साथ आज तो विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हमारी ऑडियंस का भी जिन्होंने आज इतने सारे कमेंट्स जो हमें भेजे हैं हम सारे तो इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, लेकिन यस ये वीडियो हमारा सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहेगा। सो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट टाइम हम और किसी सक्सेस एंटरप्रेन्योर की स्टोरी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन पीयूष भाई, अमित जी, थैंक यू।